गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में। हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें अब तक हम लोग जो है साइंस की बुक में हम लोगों ने फिजिक्स वाले सेक्शन को अब तक पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी साइंस 6 की बुक के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड यानी कि भोजन। तो आइए देखते हैं कि इस किताब में फूड के बारे में क्या क्या बातें समझाई गई हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, आइए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें फूड के बारे में बात की गई है और बताया गया है वैरायटी ऑफ फूड के बारे में। देखिए अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी के फूड जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। हम सभी लोग एक ही तरीके के फूड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फूड का इस्तेमाल होता हो। यदि आप किसी दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो दूसरे स्टेट में जाने पर वहाँ का जो है खान पान बदल जाता है, वहाँ के व्यंजन बदल जाते हैं, वहाँ का भोजन बदल जाता है। अगर इसी तरीके से हम देखें किसी दूसरे देश की बात करें तो वहाँ का फूड भी जो है आपको चेंज ही मिलता है। अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे इंडिया के अंदर ही जो है नॉर्थ इंडिया में देखिए अलग टाइप के फूड का इस्तेमाल होता है, साउथ इंडिया में अलग टाइप के फूड का इस्तेमाल होता है। वहाँ अगर इसी तरीके से आप गुजरात के भोजन को देखें तो वहाँ भी आपको भोजन कुछ अलग टाइप का मिलेगा। केरल साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे नारियल की जो है पैदावार जो है अच्छी होती है, तो वहाँ पे अधिकतर जो है नारियल के तेल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के भोजन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बताया गया है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है और देखते हैं फूड के बारे में और क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए सबसे पहले हम फूड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बात सामने ये आती है कि कोई भी भोजन जब बनता है, तैयार होता है कोई भी फूड, तो फूड जो है अलग अलग सामग्रियों से मिलकर के बनता है। इन्हीं को हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं। यानी कि कोई भी भोजन जिन जिन वस्तुओं से मिल करके बनता है उन सभी वस्तुओं को उस भोजन की सामग्री या फिर इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। यानी कि उस भोजन के लिए आवश्यक सामग्री है जिसे हम लोग भोजन के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो भोजन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं इसे हमने समझा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है, जैसे कुक्ड राइस या बॉइल्ड राइस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुक्ड राइस जो होता है ये राइस और वाटर से मिलकर के बनता है। तो देखिए राइस यानी कि कच्चा चावल और पानी, ये क्या हो गया, इसके कंपोनेंट्स हो गए या कह लीजिए कि इंग्रेडिएंट्स हो गए। फिर आगे देखते हैं वेजिटेबल करी की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेबल करी में देखिए वेजिटेबल होता है, साल्ट होता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले होते हैं और ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, ये क्या हो गए, वेजिटेबल करी के इंग्रेडिएंट हो गए। इसी तरीके से अगर हम दाल की बात करें तो इसमें पल्स यानी कि दाल का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है, ऑयल या घी का इस्तेमाल होता है, साल्ट का इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस यानी कि मसालों का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये दाल के इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी भोजन हो, हर भोजन के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं, ये इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये इंग्रेडिएंट आपको या तो प्लांट से मिलते हैं और या तो एनिमल से मिलते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट आपको प्लांट से मिल सकते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट आपको एनिमल से मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है राइस हो गया, वीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, पल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती है। यानी कि चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, दाल, ये सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिल्क की बात करें, एग की बात करें, मीट की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से प्राप्त होती हैं। यानी कि जो भी हमारा भोजन है या जो भी हमारे भोजन के इंग्रेडिएंट हैं वो हमको प्लांट से भी प्राप्त होते हैं और एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए फूड को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाया है कि फूड जो होता है वो समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, यानी कि वो समथिंग क्या है, इंग्रेडिएंट है, इन चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेजिटेबल करी जो है वो किससे मिलकर बन रही है, वेजिटेबल प्लस वेजिटेबल ऑयल प्लस स्पाइसेस प्लस साल्ट। अब देखिए यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल और स्पाइसेस, ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, ये सभी आपको प्लांट से ही प्राप्त हो रहे हैं, वेजिटेबल से ही प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ यदि आप एग करी की बात करें तो देखिए एग ऑयल हो गया, ऑयल देखिए वेजिटेबल से भी आपको प्राप्त होता है, वनस्पति घी आपने नाम सुना होगा। इसी तरीके से
जो दूध होता है दूध से भी घी निकाला जाता है, उससे भी जो है स्पाइसेस हो गए ये आपको प्लांट से ही मिलता है। तो देखिए किसी भी फूड के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, हो सकता है कि वो सारे इंग्रेडिएंट आपको प्लांट से मिल रहे हों, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ इंग्रेडिएंट आपको प्लांट से मिल रहे हों भोजन के लिए, और कुछ इंग्रेडिएंट एनिमल से मिल रहे हों। आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में फूड के बारे में और क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक प्लांट के बारे में दिखाया गया है और बताया गया है कि प्लांट के किस किस पार्ट से आपको फूड प्राप्त होता है, आपको भोजन प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग प्लांट की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि एक प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर बात करेंगे कि प्लांट के कौन कौन से हिस्से से आपको फूड प्राप्त होता है। देखिए प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। ये क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। अब देखिए रूट सिस्टम में जो इसकी मेन ब्रांच होती है इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट, और मेन ब्रांच से जो अदर ब्रांच निकलती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट बोलते हैं। अब प्लांट का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है इसे हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, इसमें तना होता है और तना और तने से लगी हुई विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जैसे देखिए इस पे लीफ होता है यानी कि पत्तियां होती हैं, फिर देखिए इस पे फ्लावर होता है, एपेक्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लावर आपको दिख रहा होगा, फ्लावर होता है। यही फ्लावर जब फर्टिलाइज हो जाता है पॉलिनेशन के द्वारा, परागण के द्वारा, तो ये फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रूट के अंदर ही क्या बनता है? सीड बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रूट दिखाया गया है और ये जो फ्रूट है इस फ्रूट में देखिए आपको क्या दिखेगा, अंदर की तरफ क्या पाया जाता है फ्रूट में? सीड पाया जाता है। तो ये जो फ्रूट आपको दिख रहा है इस फ्रूट के अंदर जो है सीड पाया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये वाला जो इसका पार्ट है, ये पूरा पार्ट इसका जो है स्टेम कहलाएगा, जिसपे लीफ लगी हुई है, फ्लावर लगा हुआ है, फ्रूट लगा हुआ है। अब इसमें भी देखिए जहाँ से ये नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है इसकी नई शाखाएं निकलती हैं, जहाँ पर भी ये दो शाखा आपस में ज्वाइंट होती है, जैसे यहाँ पे देखिए ज्वाइंट है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए एक नोड है और दो नोड के बीच की जो पोर्शन होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग जो है इंटर नोड कहते हैं। तो देखिए प्लांट में ये सारी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, प्लांट में ये सारी स्ट्रक्चर जनरली देखने को मिलती है। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट से हमको जो है खाने योग्य पदार्थ मिलते हैं, यानी कि कुछ प्लांट के जो रूट होते हैं वो एडिबल होते हैं। इसी तरीके से कुछ प्लांट के स्टेम होते हैं वो एडिबल होते हैं, कुछ प्लांट के लीफ जो होते हैं वो कुछ के फ्रूट एडिबल होते हैं, कुछ के सीड हम खाते हैं। अब इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप देखिए मूली देख लीजिए, गाजर देख लीजिए, ये सब क्या होती हैं? ये सब जड़ें होती हैं, जड़ों को हम लोग इसमें जो है खाते हैं। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं। इसी तरीके से अगर आप गन्ने की बात करें तो गन्ना जो होता है वो प्लांट का तना होता है। लीफ की अगर बात करें तो आप पालक खाते होंगे, स्पिनिच जो होती है, ये सब चीज़ें जो साग होते हैं ये सब जो है एक तरीके से प्लांट की पत्तियां होती हैं। फ्रूट आप जानते ही होंगे, बहुत सारे प्लांट हैं जिनके हम लोग फ्रूट खाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, बेरी हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, ये सब जो है प्लांट के फ्रूट होते हैं। इसी तरीके से देखिए फ्लावर की भी सब्जियां बनती हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो है फ्लावर की भी सब्जियां बनती हैं। तो ये कुछ प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट के बारे में, और प्लांट से जो हमें प्लांट के जिन जिन पार्ट से हमको जो है सब्जियां प्राप्त होती हैं इनके बारे में। अब देखिए प्लांट का जो सीड होता है या उसका जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उससे भी हमको खाने योग्य चीज़ें मिलती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको प्लांट का सीड, ये चना है जो कि प्लांट का सीड है, और देखिए इसका जो सीड है अगर हम इसको भिगो करके भीगे कपड़े में कुछ दिनों के लिए रख दें, एक दो दिनों के लिए, तो आप देखेंगे कि ये चना जो होता है, ये सीड जो है वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है, और इसे हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड सीड, और ये काफ़ी प्रोटीन युक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए सीड से भी हमको जो है खाने योग्य चीज़ें जो है एडिबल पार्ट्स जो है आपको मिल रहे हैं। यहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बीज यानी कि मधुमक्खियाँ होती हैं ये फूलों से फूलों का रस निकालती हैं और इसको ले जा कर के शहद में कन्वर्ट कर देती हैं। फूलों से जो रस निकलता है, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं, और मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में ले जा कर के इस नेक्टर से शहद का निर्माण करती हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होता है। देखिए हर्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोरस, यानी कि ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं
यानी कि प्लांट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर प्लांट से बने किसी प्रोडक्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कार्निवोरस यानी कि एनिमल विच ईट अदर एनिमल। इसी प्रकार से ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। तीसरा है इसमें ओमनीवोरस। ओमनीवोरस देखिए क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जैसे हर्बीवोरस के एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, गाय है, हिरण है। इसी तरीके से कार्निवोरस के एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे शेर दिखाया गया है, लोमड़ी दिखाई गई है, ठीक है। ओमनीवोरस के कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्लैक बियर है, काला भालू है। देखिए इसी प्रकार से गिलहरी हो गई, तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाती है और इसके अलावा जो है ये जो है नट वगैरह को भी खाती रहती है, यानी कि जो फ्रूट नट वगैरह होते हैं ड्राई फ्रूट उनको भी ये खा सकती है। तो ये जो प्लांट के सीड्स होते हैं उनको भी खाती है, तो इस प्रकार से जो है ये ओमनीवोरस भी होती है। तो आपने हर्बीवोरस के बारे में देखा, कार्निवोरस के बारे में देखा और ओमनीवोरस में देखा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।